नमस्ते आताप सत मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो आज सिंगल पाइल सिंगल पाइल करेंगे पिकअप पाइल नहीं है यू वर्सेस देम करेंगे ये रिलेशनशिप में uh, आपकी एनर्जी क्या है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं uh, उनकी एनर्जी क्या है और उनके इरादे क्या हैं वो आपसे क्या चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं और अगेन जनरल रीडिंग है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टैरो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आईकॉन दबाएं मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ज़रूर रीडिंग के बारे में कुछ कॉमेंट मुझे uh, देना मैं हर एक कॉमेंट को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ sit back relax and let's get into the reading archangel michael my guardian angels and the universe holy spirit and the divine give me messages which are in the highest good for my viewers आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है देखते हैं फिर से यूनियन आने वाला था बट लेट्स सी फिर से आता है या नहीं ऑल राइट आई वॉज नॉट रेडी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है चेंज एंड करेज क्वाइट अ पॉजिटिव कार्ड आपकी एनर्जी क्या है स्टेबिलिटी हार्मनी फ्लो आपके इंसान की एनर्जी क्या है फेथ डी डिवाइन इंटरवेंशन एंड ऑल्सो वी हैव पार्टी दो चीजें जो है मैं ये हैं। एक तो मुझे चेंज और करेज दिख रहा है ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी टू थिंग्स या तो आप और आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है जो चेंजेस रिलेशनशिप में करनी है वो करनी है छोटी छोटी चेंजेस रिलेशनशिप में करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत क्लोज लाएगा जैसे कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना छोटी कॉफी डेट के लिए जाना बड़ी चेंजेस हो सकती हैं बैक पैक करके एक साथ मूव इन करना एक साथ रहना पेरेंट्स से अपने बारे में बात करना वैसी वाली एनर्जी हो सकती है फोर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपने हिम्मत दिखाई है कि ये रिलेशनशिप जो है आपके लायक नहीं है और आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी हार्मनी और फ्लो है अभी ये आपके पर्सनल लाइफ में कैसा रेजोनेट होता है आपको देखना है यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी आप जो है एक स्थिरता चाहते हैं और आप एक ऐसे स्टेज पे हो रिलेशनशिप में जहाँ पे आप एक स्थिरता चाहते हैं एक फ्लो है आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड हो गई थी वो ब्लॉक्ड एनर्जी जो है अगर अभी चेंज नहीं हुई है तो आगे जाके चेंज होगी। For some of all, आपने योगा सेल्फ में जो है अपनी एफर्ट, एनर्जी डाली होंगी। आपके पार्टनर की एनर्जी हाउ पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है इसीलिए उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके पर्सन जो है या तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या आ, और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है मोस्टली एक दूसरा इंसान ही लग रहा है पेरेंट्स एजुकेशन मनी कास्ट मुझे यहाँ पे इशू नहीं दिख रही है फॉर सम ऑफ योर लियस हो सकता है बट मोर ओवर यही एनर्जी है कि एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है एंड अगेन वी हैव फेथ डिटोर्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जहाँ आपके इंसान जो है फॉर सम टाइम उन्होंने शायद ये रिलेशनशिप से अपने एनर्जी एफर्ट ले ली थी कहीं और इंटरेस्टेड थे कहीं और इन्वेस्टेड थे और अब जो है उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद उनको आपकी तरफ आना है मे बी आपने जो है अपने पैटर्न्स को चेंज किया है उनके पीछे पीछे जाना बंद कर दिया है आपने बोला है कि इफ यू कैन नॉट कम विद मी आई एम मूविंग ऑन आप अपनी स्टेबिलिटी हार्मनी फ्लो पे फोकस कर रहे हैं तो ये इंसान की जो है आप जैसे बोले ना कि लिटरली डिवाइन के थ्रू जजमेंट कार्ड जैसा मुझे ये लग रहा है कि एक झटका उनको बैठा है जहां पे उनको रियलाइज हुआ है कि नहीं आप जो हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं का मतलब है कि छोटा सा जो है उन्होंने मे भी किसी और के साथ इन्वेस्ट एनर्जी की होगी या कहीं और थर्ड पार्टी में ये इंसान इन्वॉल्व होंगे ऑल राइट right. आपकी जो है आपके इंसान के लिए राइट नाव एनर्जी क्या है ट्रैवलिंग है मेचोरिटी है एंड एक्जिस्टेंस है ऑल राइट स्लोइंग डाउन है जैसे यहाँ पे जो है आपकी स्टेबिलिटी आई थी वैसी जो है आपकी मुझे वैसी ही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से आप थोड़े से बोर भी हो गए थे आपको लग रहा था कि आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है फॉर सम ऑफ यूर यू आर ट्रैवलिंग आप जो है सफर कर रहे हैं लिटरली ये रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं या राइट right नाउ आपके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आपके लाइफ में एक शिफ्ट है या तो आप बकायदा घूमने गए हैं या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रही है एक लेवल ऑफ मेचोरिटी जो है आपने ये रिलेशनशिप में लाई है आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू आर फीलिंग कि मैं खुद ही इनफ हूँ आई एम कंप्लीट आई एम होल एंड मैं जो है आम, किसी और से अगर मुझे हंड्रेड परसेंट प्यार नहीं मिलता है तो मैं उसमें ठीक हूँ अगर अब तक आप ये एनर्जी में नहीं आए हैं तो आप वो एनर्जी में जरूर आएंगे अगेन वी है मेचोरिटी की एनर्जी जो पहले आप ये रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस्ड होते थे घबराहट होती थी चिड़चिड़ होती थी आप ये इंसान को कहते थे कि यू you know, नो मुझे सिक्योर फील कराओ या ऐसा करो ऐसे नहीं किया नाउ यू हैव कम एन एनर्जी जहाँ पे एक मेच्योरिटी लेवल आप में आई है अगर आई नहीं है तो जरूर आएगी जहाँ पे आप रियलाइज करेंगे कि आई नीड टू स्लो डाउन आपकी एक ऐसी एनर्जी आएगी जहां टू एन एनर्जी की जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा अगर ये इंसान अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के जो उन्होंने यू नो लिया था वो को छोड़ के अगर आपके पास आएंगे तो देखेंगे तो यू हैव कम इन टू एन एनर्जी ऑफ करेज हिम्मत की एनर्जी में आप आए हैं कि अगर नहीं होता है तो नो no प्रॉब्लम मत होने दो आपके इंसान के जो है ये रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है पॉलिटिक्स है विटी है है, and the rebel है। एंड uh, रिबेल आपके इंसान के जो एनर्जी uh, है ना वो एक ऐसी एनर्जी है रिबेल वाली एनर्जी है या तो आप एक प्लेयर टाइप इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं, क्लियर एज सच नहीं तो आपके इंसान एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे अ uh, हर चीज में जो है उनको कुछ हटके करना है एक ऐसे इंसान है जो काफी स्टबन हो सकते हैं सोसाइटी के रूल्स सोसाइटी के नॉर्म्स इनको फॉलो नहीं करने हैं एक ऐसे इंसान के साथ एक आप एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहां पे आपको लगता होगा कि ये इंसान जो है किसी के बारे में केयर ही नहीं करते हैं कि भाई हम सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी से क्या लेना देना है ये इंसान को कुछ नहीं है जो इनको चाहिए है ये वो करेंगे ही अगेंस्ट द फ्लो जो हम बोलते हैं ये इंसान

Uh, don't mind me saying, है कि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही कि इंसान ऐसे ना जिनको आग में तेल डालने वाली इनकी थोड़ी एनर्जी हो सकती है या इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इतना इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि ये इंसान जो है उससे थक गए हैं अगर आपके इंसान के लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पॉलिटिक्स खेल के आप दोनों को अलग किया है तो अब ये इंसान जो है उनको वो मास्क समझ में आ गए हैं एंड योर पर्सन इज कमिंग टू एन एनर्जी ऑफ एग्जॉशन आपके इंसान जो है ये गेम्स आपके साथ ये गेम्स खेलना लोगों के साथ गेम्स खेलना इससे जो है आपके इंसान थक चुके हैं उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपको ये इंसान की क्लैरिटी नहीं पता है ये इंसान आपको भी रखते हैं किसी और से भी बात करते हैं आपसे भी पॉलिटिक्स करते हैं आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ कमिंग इन टू एनर्जी ऑफ रिसेप्टिविटी है ना एक ऐसी एनर्जी में है जहां पे बिकॉज उनके लाइफ में उनको कुछ जरूर झटका आया है उसके कारण जो है ये इंसान ने जैसे हम बोलते हैं ना भगवान से थप्पड़ खा के सीधे हुए हैं ये इंसान जो है इनकी अब ऐसी एनर्जी है कि ये ये सब चीजों से थक गए हैं एग्जॉस्ट हो गए हैं और अब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे खुद उनको एक पीस एक काम एक हारमोनी चाहिए है तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है आप लोगों के रिलेशनशिप की जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आप जो हैं ये सब पॉलिटिक्स ये सब यू you नो know, नॉन क्लैरिटी कुछ और बोलना फिर कुछ और करना उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे इंसान ने आपको क्लियरली बताया नहीं है कि ये आप में इंटरेस्टेड है अगर इन्होंने बताया कि आपसे इंटरेस्टेड है तो ये इंसान ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं कि थर्ड पार्टी को भी घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं आपको भी कुछ बोल रहे हैं तो ये सब चीज़ों से जो है आप फैडाप हो गए हैं एक मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि फॉर सम ऑफ यू ऑल कि आपके इंसान जो है किसी और के साथ भी एक ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जो डिफाइन नहीं है या जिसको हम सोसाइटी जो है गवारा नहीं कर सकती गवारा नहीं मानती टैरो से देखते हैं आपकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है आपके इंसान की एनर्जी क्या है आपकी एनर्जी जस्टिस है लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे आप जो है जस्टिस चाहते हैं अगेन यू आर इन एन एनर्जी की जो कर्मा है ना वैसा ही होगा और जिस ढंग से मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में फेट दिखा है कर्मा ने जो है आपके इंसान को थप्पड़ मारा है अगर नहीं मारा है तो आगे जाके जरूर मारेंगे उनकी एनर्जी जो है रिलेशनशिप में फाइव ऑफ फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्स इज लिटरली पॉलिटिक्स है ना तो मैमे वाली एनर्जी है आपके इंसान जो है इफेक्ट किया है एक ऐसे इंसान है जो इधर अपने काम में अपने पॉलिटिकल वर्क में अपनी फैमिली में ऐसे पचड़ों में फंसे हुए हैं कि इन्होंने जो है आपको जस्टिस नहीं दी है जस्टिस इज अगेन द कार्ड ऑफ कर्मा जो आप बीज बोगे उसका आपको Uh, वैसा ही फल मिलेगा तो आपके इंसान की एनर्जी जो है राइट नाउ फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी है आप जो है अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालनी है या नहीं है है ना आप एक ऐसे एनर्जी में है जहां पे आपको लग रहा है कि यार बस हो गया है आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस पर्सन एनी मोर एंड यू आर लुकिंग इधर आप जो है दूसरे ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं आप ट्रैवलिंग करने गए होंगे घूमने फिरने गए होंगे आप जो है फॉर तो सम ऑफ यू ऑल शॉपिंग बहुत करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग में आप अपना अटेंशन डाइवर्ट करते होंगे कपड़े ज्वेलरी खरीदना घर को डेकोरेट करने वाली एनर्जी हो सकती है या बाकायदा आप जो है देख रहे हैं कि कोई और आपके इंसान में लाइफ आ, आपके लाइफ में कोई और इंसान आ सकते हैं या नहीं आपके इंसान की एनर्जी राइट रिलेशनशिप को लेके क्या है पाइसीज हो सकते हैं यहाँ पे लीब्रा हो सकते हैं पाइसीज हो सकते हैं आ, आपके इंसान जो है वो जो है ये झगड़ा तो में से इतना थक गए हैं कि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है आपके इंसान राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहे होंगे कम्युनिकेशन आप लोगों में कम हुआ होगा आपके इंसान जो है राइट नाउ एक मेडिटेटिव पोस्ट में आ गए हैं आप लोगों की चिड़चिड़ झगड़ा तू तो मैं मैं आप दोनों का फिर फैमिली का टेंशन चिड़चिड़ के कारण दिस पर्सन हैज सरेंडर ये कैसी एनर्जी में आ गया कि मैं इतना थक गया हूँ मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया हूँ एग्जॉस जो कार्ड है यहाँ पे कि मुझे कुछ नहीं करना है आपका प्यार इनको दिख रहा है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं अगर आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली है तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप फिर से इनकी तरफ जाए और एक प्यार का ऑफर इनकी तरफ करें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज टू तो गेट अ टैरो रीडिंग डन इधर विद मी और यही जानने के लिए कि इंसान की सच्चाई क्या है थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है एग्जॉशन क्यों है और ये इंसान जो है इधर आप इनकी तरफ आए हैं और फिर भी ये इंसान इतने थके हुए हैं कि आपको रिस्पोंड नहीं कर पा रहे हैं या ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आए और उनको प्यार का ऑफर दे ये इंसान के लाइफ में जो है और लोग भी हो सकते हैं जो इनको प्यार करते हैं या इनके ऊपर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं कि उनके साथ वो एक रिलेशनशिप में हो आपके जो है ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या है वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप ये कौन सा कार्ड आ गया ओके okay. आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं आपके इंसान राइट नाउ ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं ओके okay. आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं पाइसीज की एनर्जी यहां पे काफी स्ट्रांग है अः आपके इंसान ये रिलेशनशिप आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं राइट आपको ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए है ये जो झूठ सच है इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं आपकी एक ऐसी आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल होगा कि मैं मेरे इंसान की सच्चाई ही नहीं मुझे पता है ये इंसान सच में, में से प्यार करते हैं या नहीं मुझे पता ही नहीं है बिकॉज आपके इंसान ना बहुत पावर पावरफुल लगते हैं मुझे और थोड़े से डोमिनेटिंग भी मुझे लगते हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं ये इंसान के लिए वेट करूंगी लेकिन जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं मेंटली पीस में नहीं रहूंगी और मैं ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना चाहूंगी तो आप राइट नाउ एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आप आप ऐसा कह रहे हैं कि जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगता जब तक मुझे क्लियरली नहीं पता कि आपको मेरे से क्या चाहिए है ये रिलेशनशिप कैसे आगे जाएगा मैं जो है कुछ नहीं करने वाली आपके इंसान के इरादे क्या है राइट नाउ ये इंसान जो है बहुत जैसे हम बोलते हैं ना बहुत कटुब प्रैक्टिकल श्रूड इंसान है बहुत यस एन अगेन पॉलिटिकल श्रूट का मतलब क्या होता है कि ना कठोर दिल वाले एंड कटु बोलने वाले ऐसे इंसान है उसके कारण जो है अब आपने इनको छोड़ दिया है यू फाइव ऑफ कप पेंटिकल्स की एनर्जी इज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड तो इनका बिहेवियर इनके नेचर के कारण जो है आपने बोला है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज आपको ये करेज आया है और आपने ये रियलाइज किया है कि मुझे चेंज चाहिए है ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी मुझे अभी भी दिख रही है कि आप ये इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं लेकिन कुछ चेंज के बाद आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अपग्रेड हो ये इंसान जो है बदले एंड दिस पर्सन वांट्स द विश फुलफिलमेंट आप जो है एक्चुअली ये इंसान के विश फुलफिलमेंट है ये इंसान थोड़े से अजीब हैं हिम्मत वाले बहुत होंगे सोसाइटी में अजीबो गरीब चीजें इन्होंने की होंगी अब ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको वापस लें आप उनकी विश फुलफिलमेंट है और जो आपने इनको छोड़ दिया था आप वापस इनके पास जाएं कहीं ना कहीं ये इंसान को जो है अब ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो मेरी कोल्ड एनर्जी थी जो मेरी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी थी जहाँ पे मैं बिल्कुल भी इमोशंस नहीं बताता था वो वाली एनर्जी जो है अब मुझे चेंज करनी है आपके इंसान के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे एंड द नियर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस जो है ना अगेन टू एनर्जी है खुद में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं पाए ला पाएंगे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है तो ये इंसान फिर से चाहेंगे कि आप ही उनकी तरफ आए है ना क्वीन ऑफ एनर्जी में देखते हैं आपको आ, Aries, Leo, Sagittarius की यहां पे एनर्जी है ये इंसान जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा भागेंगे ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी पास्ट जो जो उनका पास्ट है और पास के जो उनके वोन्ड्स हैं उनसे जो है ये इंसान पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे फॉर सम ऑफ यू ये इंसान का बहुत ब्रेकअप हुआ होगा या इनको किसी ने बुरी तरह चीट किया होगा ये इंसान आपको जो है, जो आप चाहते है, वो नियर फ्यूचर में आपको नहीं दे पाएंगे यू नो यू आर डीलिंग विद समवन जिनको थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है या जिनको थोड़ा सा अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करने की जरूरत हो सकती है है ना इट इज नॉट यू ये इंसान को ही कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो फिर से वो ओपन कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे अगर आप ये इंसान से शादी चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इंसान आपसे ओपनली कंसिस्टेंटली कमिटमेंट दे तो ये इंसान की एनर्जी अनफॉर्चुनेटली ऑन एंड ऑफ ही रहेगी कल की रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल थी आज मुझे पता नहीं ऐसी रीडिंग क्यों आई है बिकॉज ये इंसान जो है दो चीजों में बटे हुए हैं आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान ऐसे हैं जो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे हमेशा चीज़ों को बस संभालते संभालते चलते जाएंगे आपको जो है उनकी डेस्टिनी मानते हैं आपको उनकी लाइफ में रखना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशंस पे जब उनको चाहिए होगा जैसे उनको चाहिए होगा तो थोड़े से बॉसी और डोमिनेटिंग भी ये इंसान मुझे लगते हैं इसीलिए आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यस मैं परसिस्टेंट हूँ मैं वेट कर रही हूँ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये जो मून की एनर्जी है लैक ऑफ क्लैरिटी डिसीट झूठ बोलना क्लैरिटी नहीं है वो सब चीजों से जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी तो ही जो है मैं आगे जाऊंगी और राइट वॉट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन एनर्जी टूवर्ड्स यू है रिजेक्शन है गॉसिप अबंडेंस ये पर्सन जो हैं अमीर हो सकते पैसे के पीछे बहुत भागते होंगे या पैसों के लिए जो है ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं वैसी वाली एनर्जी है अगेन जो है ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि इनको केयर की बहुत जरूरत है इनको प्यार की बहुत जरूरत है ये ऐसे इंसान हैं जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो चुके हैं पैसा कमाना है ये ये लेवल पे पहुंचना है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं तो ये इंसान जो है उनको वो केयर की जरूरत है ऐसे इंसान है जो सिर्फ जैसे ना हाई चार्ज पे सिर्फ भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं जब उनको प्यार की जरूरत होती है जब उनको यू नो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है आपकी तरफ आते हैं नहीं तो ये इंसान ना ऐसे जुनून की तरह अ एक गोल है उनका वो गोल की तरफ भागे हुए हैं, फिर से यहाँ पे गॉसिप है एंड रिजेक्शन है उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जहाँ पे ये इंसान ने किसी और लोगों की बात सुन के आपको रिजेक्ट किया होगा या किसी और की बात Uh, के कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रेक हो सकता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी लोगों ने इसके बारे में बात की ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन इसीलिए जो है आप लोगों की एनर्जी में ब्रेक हुई है डेस्टिनी uh, है और यहाँ पे क्रिएशन है फॉर सम ऑफ यूल डेट कुड बी एन एनर्जी ऑफ प्रेगनेंसी एज ओवेल है right. uh, जो है लेट मी सी ये इंसान जो है आपको क्या मैसेजेस uh, देना चाहते हैं सेकंड है बहुत uh, मुश्किल एनर्जी है ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एनर्जी ऑल राइट ये इंसान की राइट नाउ सच्ची मैसेजेस और एनर्जीज क्या है फॉर माई व्यूअर्स आइडलिज्म है रियलिटी डजेंट मैच माय गॉड ये इसका प्रिंट इतना खराब है। लव लव, बी इन ऑलवेज सर्चिंग फॉर द वन ये इंसान जो है ऐसे इंसान है जो मे बी या तो इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या ये ऐसे इंसान हैं जो अः हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. खोज रहे हैं राइट right? uh, बहुत जल्दी दूसरे लोगों में फॉल्ट फाइंड करते हैं और एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये इंसान जो है uh, इनके मन के जैसा नहीं होता है तो ये इंसान भाग जाएंगे इसका प्रिंट बहुत छोटा है मेरे पास पास का चश्मा नहीं है इसीलिए आई विल पुल आउट अदर मेसेज कार्ड वन मिनिटा आउट ये इंसान के आपके लिए messages क्या है आई डीपली रिग्रेट हर्टिंग यू आई lashed ट्रिगर्ड एंड you. आउट एट यू इट fault. नॉट messed फॉल्ट आई and दिस fix इट है ना गॉसिप ये इंसान जो है अब रिग्रेट करते हैं उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है कह रहे हैं कि आई वो ट्रिगर ट्रिगर का मतलब है कि दूसरे लोगों की बात सुन के दूसरे लोगों के भड़कावे में आके जो है उनको रियलाइज हो रहा है कि ये उनका फॉल्ट है है ना यहाँ पे स्टार्ट में ही थर्ड पार्टी आया था एंड ऑल्सो हमको जो है फेट uh, आया था अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये उनकी गलती है ये कह रहे हैं कि मैंने चीजें मैं करी हैं लेकिन चीजों को जो है मैं सही भी करूंगा वेर एवर यू आर इज होम टू मी आई फील सेफ एंड एट पीस विद यू आई नेवर वॉन्ट टू लेट यू गो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान जो है Uh, बहुत बिजी हो सकते हैं बिजनेसमैन uh, हो सकते हैं ऑन्टप्रनर हो सकते हैं जो भी उनका जॉब है उसमें बहुत बिजी होंगे अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत फंसे होंगे लेकिन आपको जो है अपना घर समझते हैं इसीलिए जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि भाई मुझे प्यार चाहिए है मुझे यू नो कम्फर्ट चाहिए है मुझे यू you नो know, वो अफेक्शन चाहिए है तो ये आपकी तरफ आते होंगे एंड अगेन आई नेवर वॉन्ट टू लेट यू गो आपके पास उनको पीसफुल लगता है एंड सेफ भी लगता है आई वॉन्ट टू होल्ड यू एंड बी यू अगैन आई वॉन्ट टू बाय माई साइड ये इंसान जो है जैसे मैंने कहा ना कि इनको प्यार की जरूरत है इनको इनका इनके इर्द गिर्द लोग जो ऐसे हैं जो बहुत कटु हो सकते हैं इमोशन लेस हो सकते हैं और अब ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि आपको होल्ड करना चाहते हैं और आ, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई एम सॉरी फॉर लिविंग यू हैंगिंग देर इज नो एक्सक्यूज फॉर माय एक्शंस आई वांट टू रिकनसाइल विद यू जैसे मैंने कहा ये इंसान आपको बीच में ही छोड़ देते हैं फिर चाहते हैं कि आप ही उनकी तरफ आए विद द फोर ऑफ कप्स एनर्जी आपका प्यार उनको दिख रहा है लेकिन कहीं और इंटरेस्टेड होंगे बीच में ही आपको छोड़ दिया होगा इसीलिए कह रहे हैं कि आई एम सॉरी फॉर लिविंग यू हैंगिंग ऐसे मजेदार में मैंने आपको छोड़ दिया था मेरे बिहेवियर के लिए जो है कोई देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर माय एक्शंस जैसे उन्होंने बिहेव किया है वो बिहेवियर के लिए कुछ उनको ऐसे उनको पता है कि मैं कुछ रीजन भी नहीं बता सकता कि मैंने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया एंड दिस पर्सन वांट्स टू रिकंसाइल विद यू बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है uh, जो ये गो थ्रू हो रहे हैं आई विश यू लॉस ऑफ करेज आई थिंक आप ऑलरेडी एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां पर आपने आपकी पावर वापिस ले ली है एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि जब तक ये इंसान की सच्चाई मुझे नहीं पता लगेगी जब तक ये इंसान कुछ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तब तक शायद मैं ये रिलेशनशिप में और आगे इन्वेस्ट नहीं करूंगी एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू दिस इज ऑल आई है फर यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज प्लीज टू कीप यर एनर्जी एंड वाइब्रेशन हाई वट यू फोकस ऑन इज वट यू गेट एंड आई विल सी इन यू नेक्स्ट रीडिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग